तो लो सबका स्वागत है। टोयोटा न्यू रिबैच व्हीकल इंडियन मार्केट में लॉन्च कर रहा है। ये अर्टिका की रिबैच वर्जन है जो कि टोयोटा में लॉन्च होने वाला है। तो यह है टोयोटा की ऑल न्यू रूमियन। तो भाई जहाँ इस गाड़ी के कंपैरिजन की बात करूँ तो इसमें आपको अर्टिका के कंपैरिजन में आपको गाड़ियाँ देखने को मिलती है। इसमें आपको कोई भी ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं मिलता है। जहाँ मारुति सुजुकी अर्टिका की बात करें, टोयोटा की रिमॉन की बात करें, इसमें आपको केवल इसका ग्रिल चेंजेस देखने को मिलता है। इसमें दो चार चेंजेस मिलते हैं। इसमें आपको इसका लोगो चेंज मिलता है। इसका इंजन ट्रांसमिशन की बात करें, इंटीरियर की बात करो तो सेम प्लेटफॉर्म पर इसमें आपको बेस है। इसकी इंटीरियर की बात करो तो सेम आपको मारुति सुजुकी अर्टिका जैसी इसका इंटीरियर देखने को मिलता है। और जहाँ इसकी इंजन ट्रांसमिशन की बात करो तो इसमें आपको 1.5 लीटर का इंजन आता है जो कि आपको अर्टिका में या ब्रेजा में देखने को मिलता है। तो भाई जहां मारुति सुजुकी की रिबैच व्हीकल टोयोटा रूमियन की बात करते हैं, इसमें आपको एक ही इंजन ऑप्शन आता है जो कि 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आता है। इसमें आपको कोई भी डीजल ऑप्शन आता नहीं। जहां अर्टिका की बात करें या टोयोटा की रूमियन की बात करें, इसमें आपको सेमी एक ही इंजन आता है जो कि पेट्रोल में आता है। इसमें आपको मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में गाड़ी आपको देखने को मिलेगी। जहाँ टोयोटा रूमियन की डायमेंशन वाइज की बात करें तो इसकी ओवरऑल लेंथ है 4399 mm, इसकी वाइड है 1735 mm और इसकी हाइट है, ओवरऑल टोटल हाइट इसकी है 1690। तो भाई जहाँ इस गाड़ी की रियर की बात करें तो इसमें आपको रूमियन की बैजिंग मिलती है, टोयोटा का लोगो मिलता है। इसमें आपको रियर वाइपर मिलता है, डिफोकर मिलता है, शार्पू विंटीना मिलता है और इसमें आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। और जहाँ इस गाड़ी की रियर कैमरे की बात करें तो इसमें आपको रियर में कैमरा भी देखने को मिलता है। तो भाई जहाँ इस गाड़ी की बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको 209 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। आपको बूट बढ़ाना है तो आप इसकी सीट इंक्लाइन करके इसका बूट बढ़ा सकते हो। तो भाई जहाँ इस गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 5+1 सीटिंग कैपेसिटी इस गाड़ी में मिलती है। जहाँ 5 पैसेंजर और +1 ड्राइवर के साथ ये गाड़ी आपको मिलती है। तो भाई जहाँ इस गाड़ी की इंटीरियर की बात करूँ इसमें सेम प्लेटफॉर्म पर इस गाड़ी का इंटीरियर देखने को मिलता है। जहाँ अर्टिगा का भी इंटीरियर आता है, इसमें आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते। इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में आपको सब कुछ दिया गया है। तो भाई इस गाड़ी की अलॉय की बात करें तो कुछ इस तरह से इसके अलॉय आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको टोयोटा का लोगो मिलता है। इस गाड़ी के टायर साइज की बात करें तो इसमें आपको R15 के टायर साइज मिलते हैं जो कि अर्टिगा में भी आते हैं। भाई इस गाड़ी की लॉन्चिंग की बात करते गाड़ी आपको अक्टूबर 2023 तक की गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात करो तो एक्सरूम इस गाड़ी का प्राइस रहने वाला 8.77 लाख। तो भाई जहाँ इस गाड़ी की इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करो, इसमें पेट्रोल इंजन आता है जो कि 1.5 लीटर का है। इसमें 4 सिलेंडर इंजन आता है। इस गाड़ी की BHP की बात करो 103 BHP और जिस गाड़ी की टॉर्क की बात करो 130 Nm की टॉर्क की गाड़ी आराम से जनरेट करके देती है। तो भाई बस आज की वीडियो बस यहाँ तक थी। ऐसे नए वीडियो आते रहेंगे, तब तक के लिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।